हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आशीष सर और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस। तो गाइस, कल हम लोगों ने चर्चा किया था किस चीज़ का। कल हम लोगों का टेंस ख़त्म हुआ था पास्ट, यानी कि हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट के सिलसिले को समाप्त कर दिया है। अब हमारे पास एक आखिरी टेंस बचता है जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स क्या होता है गाइस? फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य। तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल। तो हमने बताया था कि हर टेंस के कितने पार्ट होते हैं? चार होते हैं, इनडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम आज पढ़ेंगे किसको? फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस को, अनिश्चित भविष्य काल को। किसको पढ़ेंगे? अनिश्चित भविष्य काल को। अब अनिश्चित भविष्य काल किसे कहते हैं? जो कार्य भविष्य में होगा लेकिन निश्चित नहीं है कब होगा, ये उम्मीद है कि होगा, तो वहीं पे हम क्या करते हैं? फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। और हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके पहचान की बात होती है। मोस्टली हम यही बताते हैं कि जिस वाक्य के अंत में गागे घी आएगा उसे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का समझा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, लिखा तो मैंने भी वही है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में ही चल रहा है। तो जानते रहिएगा कि जाऊं जाएगा गागे की अकेले नहीं आएगा, एगा, इंगी, उंगे, इस तरीके के वर्ड आपके सेंटेंस में लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है व्हेन गा गे गी, दिस टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी शैल नो इट इज फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी आदि शब्द लगे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का समझते हैं। उसके बाद बारी किसकी आती है गाइस? बारी आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के लिए आपका इंस्ट्रक्शन क्या, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। गाइस यहाँ पे माइंड कीजिएगा, आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट में ये डालेंगे क्या, आई एंड वी इज इक्वल टू शैल। यहाँ सहायक क्रिया होती है विल और शैल। तो हमेशा माइंड कीजिएगा कि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? विल को यूज करते हैं। तो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। फिर नेगेटिव में आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। उसके बाद इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे मान लीजिए वह तानाशाही अपनाएगा, ठीक है गाइस, वह तानाशाही अपनाएगा। कौन अपना रहा है? वह। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। मैंने क्या बताया? आई और वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल। तो ही विल क्या करेगा? अपनाएगा। तो अपनाने के लिए क्या हो जाता है? एडॉप्ट। क्या हो जाएगा? ही विल एडॉप्ट। क्या अपना रहा है भैया? तानाशाही। तानाशाही की इंग्लिश क्या होती है? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, ही विल एडॉप्ट डिक्टेटरशिप। जैसे मान लीजिए मैं नदी में छलांग नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैं नदी में छलांग नहीं लगाऊंगा। तो कौन नहीं लगा रहा है? मैं। और मैंने क्या बताया? आई और वी के साथ सेल। तो यहाँ आई आ गया, आई के साथ क्या लगा देंगे? सेल। आई सेल, फिर निगेटिव वर्ड है तो सेल के बाद नॉट, आई सेल नॉट। छलांग लगाना मतलब कूदना, कूदने की इंग्लिश क्या होती है? जंप होती है। तो आई सेल नॉट जंप। कहाँ पर जंप कर रहे हैं भैया? नदी में। तो नदी में हो जाएगा इन टू द रिवर, ठीक है, आई सेल नॉट जंप इन टू द रिवर। जैसे वे मैदान में बहस क्यों करेंगे? वे मैदान में बहस क्यों करेंगे? तो फर्स्टली हमें क्या करना है? क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। उसके बाद क्या करना है हमें गाइस? वाई के बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या लगेगा? विल। वाई विल वे। वे की इंग्लिश क्या होती है?
दे, वाई विल दे क्या करेंगे, बहस करेंगे। बहस करने की इंग्लिश क्या होती है, डिस्कस या आर्ग्यू। वाई विल दे आर्ग्यू, कहां पे आर्ग्यू कर रहे हैं, वाई विल दे आर्ग्यू किससे कर रहे हैं, वाई विल दे आर्ग्यू कहां पे कर रहे हैं भैया, इन फील्ड। वाई विल दे आर्ग्यू इन फील्ड, जैसे मान लीजिए हम उस लावारिस, हम उस लावारिस लाश को, लाश को क्यों नहीं ले जाएंगे, हम उस लावारिस लाश को क्यों नहीं ले जाएंगे, तो कौन नहीं ले जा रहा है, हम, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब उसके बाद क्या हो जाएगा गाइस, हम के साथ सेल, वाई सेल, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, वी के बाद नॉट, वाई सेल वी नॉट, कर क्या रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जाने की इंग्लिश क्या होती है, कैरी, वाई सेल वी नॉट कैरी, वाई सेल वी नॉट कैरी, हम क्यों नहीं ले जाएंगे, क्या उस लावारिस लाश को, दैट अनक्लेम्ड डेड बॉडी। ठीक है गाइस, हम उस लावारिस लाश को क्यों नहीं ले जाएंगे, तो वाई सेल वी नॉट कैरी दैट अनक्लेम्ड डेड बॉडी। चलिए मैं एक आध दो एग्जाम्पल आपको ऐसे ही बोल दे रहा हूँ वीडियो में, आप खुद से बनाइएगा, आई होप कि आपके समझ में आया है तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग अपना वीडियो को स्टॉप करके नोट करिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे नोट कर लीजिए आप लोग, वह इस कूड़े के ढेर को साफ करेगा, क्या वह इस कूड़े के ढेर को साफ करेगा। दूसरा सेंटेंस नोट कर लीजिएगा गाइस, तुम प्रधानमंत्री की हत्या नहीं करोगे, तुम प्रधानमंत्री की हत्या नहीं करोगे, वह परीक्षा में प्रथम स्थान क्यों प्राप्त करेगा, तुम उसे अपने घर क्यों नहीं बुलाओगे, तुम उसे अपने घर क्यों नहीं बुलाओगे। जौहरी बाजार में जवाहरात क्यों बेचेगा। ओके गाइस, पांच सेंटेंसेस हैं, पांच मैंने आपको दिए हैं, आप करिएगा, कुछ अपने मन से बनाइएगा, एक्सरसाइज मस्ट बी क्लियर। हमने आपको बताया था केवल इनडिफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें हर टेंस में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, बाकी सारे रूल्स सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, ओनली वी हैव टू चेंज क्या हेल्पिंग वर्ब, ओनली वी हैव टू चेंज ओनली हेल्पिंग वर्ब। सो गाइज ऑलवेज बी एक्टिव, बी एनर्जिक, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं, हेजिटेशन नहीं, डर नहीं, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि डर होगा तो जो आ रहा होगा वो भी जाएगा, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ऑलवेज माइंड दैट शिकार बकरी का किया जाता है, शेर का नहीं, तो यू आर जस्ट लाइक अ लायन, जस्ट थिंक योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट एंड डू समथिंग वेल। सो सिंस देन गुड बाय एंड टेक केयर फॉर योर सेल्फ एंड बी रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड बाय।